अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने अमान में रखे। और ये है रमदान डे 13 और आज मैं बनाने जा रही थी पोटैटो क्रिस्प्स, तो मैंने सोचा ये भी जो है ना आज आप लोगों को दिखा देना चाहिए। मैं बच्चों के लिए ना होता ये है कि रोज़ा तो हमारा ही होता है, मेरा और इनका, लेकिन मैं बच्चों के लिए भी ज़्यादातर चीज़ें बनाती हूँ ताकि जो है ना वो इफ्तारी में हमारे साथ उनको मैं बिठाऊं और उनको भी पता चलना चाहिए कि रोज़ा और इफ्तारी एंड सहरी में तो फ़िलहाल कोई भी नहीं उठा हुआ होता, लेकिन इफ्तारी की जो है ना फजीलत और उसकी जो बरकत होती है वो मैं बच्चों को बताती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पोटैटोज़ बॉईल कर लिए थे और उसमें मैंने चिकन श्रेड करके मैं डाल रही हूँ, जिसको मैंने अदरक लहसुन और पिसी काली मिर्च और नमक के साथ बॉईल कर लिया था। इसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ पिसी काली मिर्च, इसके बाद डालूँगी चिली फ्लेक्स, हस्बे जायका नमक और हरा धनिया। हरी मिर्चें मैंने लास्ट में ऐड करी थी जो कि मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, नहीं दिखाया है। और इसके साथ साथ ना मैं इसमें चीज़ भी, मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर दूँगी और नहायत ही मज़ेदार बने थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मैंने ना एक बैच और बना के रख दिया है फ्रिज में ताकि वो भी यूज़ हो जाए, क्योंकि पोटैटोज़ की चीज़ ना ज़्यादातर फ्रिज हम कर नहीं सकते, फ्रीज़र में रख नहीं सकते, वो पानी छोड़ देती है, तो इस वजह से ना बस मैंने एक बैच बनाया। और ओके जी, यहाँ पे मैं ये सारी जो है ना अज्जा को, इंग्रेडिएंट्स को जो है ना वो मिक्स करके अच्छे से रख लूँगी और ये बिल्कुल हमारा तैयार है। इसके बाद मैंने हरी धनिया और बिल्कुल बारीक सी हरी मिर्चें भी इसमें काट के ऐड कर दी थी। और यहाँ पे मैं फ्रूट चाट की तैयारी कर रही हूँ, तो जल्दी जल्दी से फ्रूट चाट भी बना लेंगे और फिर हमें बनाना है शरबत। तो आज मैंने ना टैंग बना लिया था, रबीत को टैंग जो है ना बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया है, तो सोचा कि क्यों ना ऐसे ऑल्टरनेट डेज़ पे रख दिया जाए, एक दिन रूह अफ़ज़ा, एक दिन टैंग और फिर कोई जो दूसरा शरबत मैं बनाती हूँ मिल्क का या कोई सा भी, और वो मैं इसके साथ साथ बनाती रहूँ। एनीवेज़ आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? हमारे तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, बच्चों के साथ साथ रोज़े और काम और साथ साथ इबादतें भी चल रही हैं, तो बस अल्लाह ताला मंजूर करे और कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी फैमिली में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर देखें, मैं फ्रूट चाट में भी ना सिर्फ चीनी डालती हूँ और ऑरेंज जूस ऐड करती हूँ, दैट्स इट। तो यहाँ पर अब मैं फौरन जो है ना पोटैटोज़ के दो दो इंच के जो है ना मैंने इस तरीके से बना लेने हैं कबाब की तरह से। और मैंने पहले कॉर्नफ्लावर में इसे डिप किया था, उसके बाद मैंने एग में और उसके बाद मैंने लगा दिया ब्रेड क्रम्स। इस तरह से मैं तकरीबन दो बैच बना लूँगी, जिसमें से एक बैच तो मैंने फ्राई कर लिया था और एक बैच जो है ना मैंने फ्रीज़र में रख दिया, जो मैं एक या दो दिन के बाद वो भी मैं बना लूँगी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आलू की नहीं रखी जाती फ्रीज़र में, और नीचे रखो तो वो भी उसमें तो फौरन पानी आ जाता है। तो बस जनाब, अब मैंने जो है ना फ्राई पैन को रख दिया है और वॉक को रख दिया है और अब ऑयल गरम करने के लिए रख दूँगी ताकि मैं जल्दी जल्दी फ्राइंग का मेथड भी स्टार्ट कर दूँ। तो मेरे पास बॉक्स समोसे भी फ्रीज हुए हुए रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा पहले इनको फ्राई कर लिया जाए। और साथ साथ ना मुझे आज बनाना था जिंगर पराठा, तो मैंने जिंगर जो फ्रीज़ रखे हुए हैं वो भी मैंने फ्राई करने साथ साथ रख दिए थे, क्योंकि टाइम कम होता है, काम ज़्यादा होता है, तो बस झटपट सारे काम निपटाने होते हैं, तो मैं फ्राइंग का ना काम एक साथ, इतना बड़ा वॉक रखने का फ़ायदा ही यही है कि आपने ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें डाल के ना फ्राई कर लेनी होती है। तो यहाँ पर मैंने ना पराठे भी जो है ना सेक रही हूँ, टोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना था जिंगर पराठा और मेरे जिंगर भी साथ साथ रेडी हो रहे थे और बॉक्स समोसा तो ऑलरेडी हो चुके थे, तो वो भी मैंने डिश आउट कर लिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रमदान का डे 13 भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजर गया और देखें कितने प्यारा सा ब्राउन पराठा मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है और उसके साथ मेरे ये जिंगर भी रेडी हो गए, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही जूसी एंड फुल ऑफ टेंडर। तो यहाँ पर जो है ये सब रेडी हो गया था और साथ साथ मुझे पोटैटो क्रिस्प्स भी डालने थे, तो वो भी मैंने साथ ऐड कर दिए फ्राइंग में। और
ये भी साथ साथ फ्राई हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे बने थे। एंड मैंने यहाँ पे ना डीप फ्राई किया था, डीप फ्राई इन अ सेंस के ना लोग शैलो फ्राई करते हैं तो कुछ हिस्से जो है ना वो सही से क्रिस्पी नहीं होते, तो मैंने डीप फ्राई किया था। मैं वहीं पे ही खड़ी हुई थी कि फ़ौरन फ़ौरन होते जाएं, लाइट से ब्राउन गोल्डनिश कलर हो और मैं फ़ौरन ऐसे डिश आउट कर लूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा देर छोड़ दी तो फिर वो बिल्कुल ही ब्राउन हो जाते और वो अच्छे भी नहीं लगते लुक में। तो देखिए यहाँ पे हमारे बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से पोटैटो कॉकेट्स भी तैयार हैं और वो भी मैं डिश आउट कर लूँगी। एंड साथ में जो मैंने पराठे बनाए हैं अब उसको भी फ़ौरन जो है ना वाइंड अप करना था, मुझे रोल बना के रखने थे पराठे के, तो यहाँ पे मैं पराठा ले लूँगी। और मैं सिंपल सिंपल सी चीज़ें करती हूँ, कभी कभी होता है कि बहुत ही एहतमाम से जो है ना सॉसेस बना लिए, पर जब आपके पास टाइम कम होता है ना तो शॉर्ट में काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने मेयोनीज लगा दी है, मस्टर्ड सॉस लगाऊंगी, चिली सॉस आप पर डिपेंड करता है, इफ़ यू वांट आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है ना रेंच डाल दिया था, सीज़र डाल दिया था सॉरी, इसके भी सलाद ड्रेसिंग के लिए ही यूज़ होता है इस काइंड ऑफ सॉस। और देखें इस तरीके से मैंने इसे स्लाइस कर दिया है कटिंग में और बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छे बहुत ही क्रिस्पी बने थे एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जायकेदार थे। तो यहाँ पे मेरी ट्रे तैयार है और हम बस अब इफ्तारी करने जा रहे हैं। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह नई रेसिपीज के साथ। तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी इबादतें करें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।